साल 2020 किसी बुरे दौर से कम नहीं है। कितने ही चमकते सितारे इस साल हमेशा हमेशा के लिए टूट गए। और अब एक बार फिर से इस इंडस्ट्री से बुरी खबर आई है, और वो ये है कि टीवी एक्ट्रेस और मॉडल दिव्या चौक से अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको बता दें कि दिव्या कैंसर से पीड़ित थी। लंबे वक्त से वो हॉस्पिटलाइज थी और उनका इलाज भी चल रहा था। दिव्या ने इंस्टा स्टोरी पर अपने आखिरी लम्हों के बारे में भी शेयर किया था, जब उनके चाहने वालों के बीच जमकर वायरल हो रहे हैं। दिव्या ने मौत से कुछ घंटे पहले ही फैंस से अपने दर्द को बांटा था और उन्हें बताया था कि वो अब दुनिया से रुखसत होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ दिव्या के जाने के बाद उनकी बहन सौम्या ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, श्रद्धांजलि कुमारी दिव्या चौक से, मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मेरी कजिन दिव्या चौक से का कैंसर की वजह से बहुत छोटी सी उम्र में आज निधन हो गया। लंदन से एक्टिंग का कोर्स किया था, वो एक बहुत अच्छी मॉडल भी थी। उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया और सीरियल्स में भी काम किया। सिंगिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना नाम कमाया और आज वो हमें यूँ छोड़कर चली गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि तकरीबन 3 महीने पहले दिव्या ने अपने ट्वीट के जरिए मदद भी मांगी थी, जो उनका आखिरी ट्वीट था। इसमें उन्होंने लिखा कि कोई मसल्टो थेरेपी के बारे में जानता है, मुझे मदद की जरूरत है। दिव्या के इस ट्वीट से साफ था कि उन्हें कैंसर से जुड़ी इस थेरेपी के बारे में नहीं पता था, जिसके लिए वो मदद की गुहार लगा रही थी। आपको बता दें कि दिव्या चौकसे ने 2011 में मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट को जीता था। इसके बाद उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस और टीवी शो में भी काम किया। उन्हें एमटीवी के शो मेकिंग द कट 2 में भी देखा जा चुका है। साल 2016 में फिल्म है अपना दिल तो आवारा से दिव्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में साहिल आनंद के संग काम भी किया था। वो एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी थी, लेकिन कैंसर की ये जंग दिव्या जल्द ही हार गईं और महज 29 साल की उम्र में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। हमारी तरफ से भी दिव्या को भावभीनी श्रद्धांजलि।